हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर कैसे काम करता है। और दूसरा आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ओपनिंग कैंडल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ओपनिंग कैंडल कैसे काम करता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कीजिए। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैंडल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि मार्केट के अंदर हमें एंट्री कैसा करना चाहिए, या फिर अभी करना है या फिर मार्केट के अंदर रुकना है। स्मार्ट मनी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट मनी ही मार्केट को रन करता है। मार्केट कहाँ पे रुकेगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ से रिजेक्शन आएगा, कहाँ से बाइंग आएगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ये स्मार्ट मनी के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। अब देखिए स्मार्ट मनी काम कैसे करता है, उसको हम कैसे समझेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, अभी 50,000 के नीचे कहीं ना कहीं राउंड नंबर के नीचे क्लोज किया है। 50,000 क्या है, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने कैसा काम किया है, 50,000 से हल्का फुल्का रिजेक्शन आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर रिजेक्शन आ गया, फिर ऊपर चला गया, रिजेक्शन आ गया, ऐसा कुछ करके मिडल में मार्केट ने क्लोज किया। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझिए, अगर ये ब्रेकआउट करके 50,000 का क्लोज करता तो हो सकता था दूसरे लोग बाय कर लेते, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अगर मार्केट में यहाँ पे तेजी से सेलिंग आता तो हो सकता था दूसरे लोग यहाँ पे क्या कर लेते, सेल कर लेते, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने बिल्कुल मिडल में क्लोज करके कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन बनाया जा रहा है कि मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कौन ले रहा है, स्मार्ट मनी ले रहा है। और स्मार्ट मनी ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि जब स्मार्ट मनी को अपना पोजिशन बनाना होता है तो वो क्या करता है, दूसरों को पोजिशन नहीं बनाने देता। समझ में आया कि जब स्मार्ट मनी को अपना पोजीशन बनाना होता है वो क्या करता है, दूसरे लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता है, ऐसी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर क्रिएट करता है कि वो अपनी पोजीशन नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि अब देखिए जिस प्रकार का मार्केट ने क्लोजिंग किया है, बायर को डर इस बात का लगेगा कि हो सकता है 50,000 का रेजिस्टेंस लिया है, मैं बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं कर सकता। सेलर को पोजीशन बनाने में मौका तो अच्छा नजर आएगा कि 50,000 का रेजिस्टेंस लिया, चलो सेल कर लेता हूं, लेकिन जब वो पीछे देखेगा मार्केट को तो उसे नजर आएगा कि 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, तो वो भी डर के मारे कंप्लीट क्वांटिटी नहीं ले पाएगा या फिर बड़ा पैसा मार्केट के अंदर नहीं लगा पाएगा। तो बायर को भी डर लग रहा है, सेलर को भी डर लग रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी को तो पता नहीं उसे काम करना है या फिर नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसा करना है, तो वो तो अपना यहाँ पे काम करके जा चुका है। तो जब स्मार्ट मनी को एंट्री करना होता है तब वो क्या करता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के क्लोजिंग करता है। अब हम आगे के पॉइंट स्टेप टू स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री किया हुआ तो आपको आगे का रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री किया हुआ तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि उसने बाय किया है या फिर सेल किया है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि मार्केट आगे काम कैसे करेगा। वो हमें पता कैसे लगेगा, थोड़ा मैं पीछे आपको चार्ट दिखा देता हूँ फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे तो जिसका मैंने तो एनालिसिस कर लिया इस चार्ट का, लेकिन आपके लिए दिखा देता हूँ कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है, इस प्रकार के मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ, मार्केट को कौन लेकर आया इतना ऊपर, यहाँ पर भी तो स्मार्ट मनी बैठा है ना, वही यहाँ पे बाइंग कर रहा है। आपके और मेरे से बाय करने से मार्केट ऊपर नहीं जाता, यहाँ पर स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, यहाँ पर स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, यहाँ पे बाइंग करके वो बैठा है। अब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया होगा, एंट्री किया होगा। अब यहाँ पे वो बाय करके बैठा है, अब यहाँ पे कोई अगर एंट्री कर रहा है तो कैसी कर रहा होगा, मुझे ये कंफर्म करके बता दीजिए। आप यहाँ पे सेशन को रोक दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एंट्री वो कैसा कर रहा होगा। अब मैं मेरी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए उसने बाय तो कर ही रखा था, बाय तो उसने कर ही रखा था, अगर उसे बाइंग में पैसा बनाना होता तो क्या कर सकता था, वो सीधा गैप वगैरह ओपन होकर मार्केट को सीधा ऊपर ले जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, अपनी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। एंट्री का हमें पता कैसे लगा, दोबारा से याद दिला देता हूं, स्ट्रक्चर को देखकर। मार्केट ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि बायर को भी डर लग रहा है, सेलर को भी डर लग रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, स्मार्ट मनी अपना एंट्री कर सकता है। एंट्री कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे बाइंग हुआ, हो सकता है यहाँ पे वो प्रॉफिट भरा बुकिंग करके निकल गया होगा, यहाँ पे वो अपना क्या कर रहा होगा, एंट्री बना रहा होगा।
अगर यहाँ पे वो एंट्री बना रहा है तो बाइंग में तो वो पैसा बना ही रहा था, अगर ऐसा होता तो वो गैप वगैरह ओपन होकर मार्केट को ले जाता, मे बी अभी भी गैप ओपन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री हुआ है तो सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी की एंट्री यहाँ पे हुआ होगा। और अगर यहाँ पे सेलिंग में स्मार्ट मनी का एंट्री हुआ तो हमें क्या देखने में मिलना चाहिए, गैप डाउन, ठीक है, मिनिमम आपको गैप डाउन देखने में मिलना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि ओपनिंग कैंडल कैसा बनेगा, वो कैसा होना चाहिए, ओपनिंग कैंडल आपको यहाँ पे रेड देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री किया, कैसा एंट्री किया, सेलिंग का एंट्री किया, सेलिंग का क्यों किया, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, बाइंग में वो पैसा बना चुका है, उसके कॉल वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं, उसने क्या कर लिया है, सेलिंग में एंट्री कर लिया है, सेलिंग में एंट्री कर लिया तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अगला स्टेप गैप डाउन होना चाहिए, गैप डाउन का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मार्केट के अंदर जो ओपनिंग कैंडल है वो रेड बनना चाहिए, तब जाकर आपको कन्फर्म होगा कि हाँ यहाँ पे ऑपरेटर ने सेलिंग में एंट्री कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता है, हम जैसा सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं है, क्योंकि हमें अंदाजा लगाना होता ना, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट के अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर हो सकता है गैप डाउन तो खुल जाए, लेकिन गैप डाउन ओपन होते ग्रीन कैंडल अगर बाय चांस बन जाता है तब जो हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री किया होगा, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए तो उसमें क्या होगा कि जस्ट मार्केट कंफ्यूज करने की कोशिश करे, यहाँ पर बायर सेलर को कंफ्यूज रखा, गैप डाउन में कहीं ना कहीं बायर को ट्रैप कर लेगा, फिर ऊपर जाकर सेलर को ट्रैप कर लेगा, ऐसा करके मार्केट कहीं ना कहीं में वोलाटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फिर आपको कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा, तो वो हमारे काम का रहेगा नहीं, वो भी स्पेशली जब हम काम कर रहे होंगे तो वो इतना काम का नहीं होता, क्योंकि कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री हुआ, गैप डाउन मिला, उसके बाद अगर रेड कैंडल बना, वो हमारे लिए सबसे अच्छा मार्केट रहेगा। आप समझ गए यहाँ पे इतना कि फर्स्ट कैंडल कैसा बनता है, ऑपरेटर को एंट्री वगैरह कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, गैप ओपन हो जाता है मान लेते हैं, तो गैप अप में ये सब कुछ कॉन्सेप्ट खाली हो जाएगा। गैप अप का मतलब होगा कि मार्केट कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें यही होगा कि अगर रेड कैंडल आ गया ओपन होते तो कहीं ना कहीं वोलाटाइल हो जाएगा, और अगर मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन गया तो फिर वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। तो वो मार्केट का अपना प्लान रहेगा कि गैप अप के बाद अगर रेड कैंडल बनेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वोलाटाइल मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। तो अगर गैप डाउन में रेड कैंडल बना मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, गैप अप में ग्रीन कैंडल बना मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन गैप डाउन में ग्रीन कैंडल बना वोलाटाइल हो जाएगा, गैप अप में रेड कैंडल बना वोलाटाइल हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय क्या होगा, इसके पास पोजिशन नहीं होंगे, ये जस्ट मार्केट में ट्रैप कर रहा होगा इधर उधर घूमकर ऐसा, और यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। इतना समझ में आ गया, नहीं आया थोड़ा बहुत दोबारा से देख लेना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लग जाए, समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं आए कोई बात नहीं, अगले दिन मैं बैठा हूँ आपके लिए, क्योंकि जो कोर्स वगैरह देते हैं ना उनका तो क्या होता है, दो तीन दिन में उनको कंप्लीट करना होता है, वो बताकर चले गए बाद में आपको मिले या ना मिले, मैं तो आपसे डेली बेसिस में मिलता रहता हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई भी छूट जाता है, कोई भी बात रह जाती है समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे बताओ, अगले एक दो सेशन में मैं आपको कवर कर दूंगा जैसे मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे किस प्रकार हम ऑपरेटर की एंट्री को फाइंड आउट करें, किस प्रकार हम कैंडल को डिसाइड करें। अब हम थोड़ा पीछे देख लेते हैं कि कैसे मैं जब एनालिसिस वगैरह करता हूँ तो जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे आपको एंट्री करता हुआ मिलेगा, हमें बार बार ये समझना पड़ता है कि स्मार्ट मनी कैसे काम कर रहा होगा, कैसे काम कर रहा हो, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर क्या होता है, डिसीजन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, जब स्मार्ट मनी एंट्री नहीं करा होगा तो अब वो क्या करा होगा, ऑलरेडी जो बाइंग सेलिंग करके बैठे उनके क्या करा होगा, एसएल वगैरह हिट करा होगा, तो हमें वो समझना होता है कि कहाँ पे एंट्री हो रहा है, कहाँ पे एसएल वगैरह हिट कर सकता है, वो सब कुछ समझकर प्लान मार्केट के अंदर बनाते हैं। जैसे अपना ये 6 जून का चार्ट है, ठीक है, और ये अपना 7 जून का चार्ट है। तो जब हमें 7 जून के लिए प्लान बनाना होता है इस चार्ट को देखकर, तो मैंने आपके लिए क्या प्लान बनाया था कि मार्केट के अंदर गैप अप मिल जाए, मुझे फ्लैट मिल जाए, मुझे हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाए, दोनों तीनों केसेस में हम क्या रख सकते हैं, बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रख सकते हैं। ये प्लान मैंने क्यों बनाया था, और दूसरा एक बात और बोली थी कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट में बाइंग करना ठीक नहीं रहेगा, उसमें मार्केट क्या कर सकता है, गिर सकता है, ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ पे भी स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था आपको समझना चाहिए, फिर आपको कैंडल वगैरह भी मैं बताऊंगा कि कैसे बन सकते थे। तो यहां पे देखिए मार्केट ने क्या किया, एक रेंज के अंदर काम किया, रेंज के अंदर कैसे काम किया, अब यहां पे आपको एक लो नजर आ रहा होगा 49,500 का,
अब यहां से मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे नीचे गया होगा सैदर आए होंगे, फिर आसपास से सेलिंग किया फिर से सैदर आए होंगे, क्लोजिंग इसके नीचे गया सैदर आए होंगे। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया, बायर आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर भी बैठे हैं बायर भी बैठे हैं। दूसरी बात हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में नीचे से एक तेजी से अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है। तो यानी कि ऑपरेटर का डायरेक्शन कौन सा है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे क्या हो चुका है, बायर भी बैठे हैं सेलर भी बैठे हैं। तो मार्केट में देखिए केवल और केवल गैप डाउन में क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, उनके एसएल वगैरह हिट हो सकते हैं। अदरवाइज क्या करेगा, जो ऑपरेटर होगा वो क्या कोशिश करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मार्केट को चलाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला था, 7 जून को आप एनालिसिस वगैरह में जाके कन्फर्म कर सकते हो। 7 जून को मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में भले ही हमें गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, इवन थोड़े बहुत गैप डाउन में भी हम क्या रख सकते हैं, बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रख सकते हैं। अब यहाँ पे कैंडल कैसे कैसे बन सकते थे, देखिए जिस प्रकार का यहाँ पे साइकोलॉजी है, यहाँ पे कैंडल बन सकते थे। कैसे बनेंगे, मार्केट के अंदर फ्लैट में तो आपको नजर आ ही रहा है कि रेड कैंडल बन गया। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता हल्का फुल्का तो वहां पे मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाना पड़ता। ग्रीन कैंडल बना के वो क्या करता है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता, छोटा मोटा रिजेक्शन लेता, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता। क्योंकि मार्केट को देखिए केवल और केवल गैप डाउन में मार्केट क्या कर सकता था, गिर सकता था। अदरवाइज क्या करेगा, ऑपरेटर मार्केट को ऊपर ही ले जाएगा। जस्ट एक साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट ऐसा कर सकता है कि फ्लैट तो थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप में मार्केट क्या कर देता, हो सकता डोजी कैंडल बना देता, थोड़ा ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता, एक रेंज बना लेता, उसके बाद हमें एक रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आता, फिर ब्रेकआउट करके निकलता। फ्लैट में आपको नजर ही आ रहा है कि मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे तो क्या था कि केवल छोटा मोटा मार्केट क्या करेगा, साइकोलॉजी चेंज करेगा, लेकिन ओवरऑल ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैंने क्या डिसाइड कर रखा था कि अगर हमें मार्केट के अंदर यहाँ पे गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, इवन थोड़े बहुत गैप डाउन में, बाइंग साइड के लिए मार्केट के अंदर प्लान रख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन बायर बैठा ऑपरेटर की तरफ तो इसको ज्यादा मार्केट परेशान नहीं करेगा, सेलर बैठा अपोजिट तो ये इसका पैसा जरूर जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, गैप अप में जाएगा, फ्लैट में जाएगा, हल्के फुल्के गैप डाउन में जाएगा। बड़े गैप डाउन में ओपन हो सकता है, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, ऑपरेटर के भी सामने बड़ा ऑपरेटर आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने अपना पोजीशन तो बना रखा है, यहाँ पे बाइंग करके वो आराम से बैठा है, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे हमला कर दे और मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाए। तो उस कंडीशन में ऑपरेटर को भी निकलना पड़ सकता है। तो बड़े गैप डाउन में केवल हमारे लिए खतरा था, इसमें हमने डिसकस कर ही लिया था कि यहाँ पे हमें प्लान मार्केट के अंदर नहीं बनाना है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे वो एंट्री करा है, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पीछे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन का देखना है, 2 दिन का देखो, 3 दिन का देखो, 4 दिन का देखो, इंडेक्स में देखो, सेंसेक्स के अंदर देखो, अपना स्टॉक्स के अंदर देखो, सब में काम करेगा। बस आपको ट्रिक का पता होना चाहिए वो काम कैसे करें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, अपना ये चार्ट था 5 जून का, ठीक है, इसमें बहुत तेजी से मार्केट ऊपर निकला था, इतना कंटिन्यू ऊपर गया था। ऐसे ही मार्केट में भी मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में अगर फ्लैट मिल जाए, इवन गैप डाउन मिल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे आ चुका है, वो मार्केट को क्या कर सकता है, गिरा सकता है। तो वहां पे हम क्या रख सकते हैं, सेलिंग के लिए मार्केट के अंदर प्लान रख सकते हैं। गैप अप में मैंने आपको क्या बोला था, गैप अप में मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट अगर पहले ऊपर चला जाता है सबसे बेस्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलिंग वगैरह का प्लान बना लेंगे। एक्यूरेट यही मैंने बना के दिखाया था आपको, और मैंने आपको सेटअप भी बताया था कि कैसे बनाना है, कि 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो मार्केट में हमें रिजेक्शन आता नजर आए या कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो, तो दोनों कंडीशन में आप एंट्री वगैरह कर सकते हो। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल है देखिए अवेलेबल है। तो जैसे ही मार्केट, मैंने तो यहीं पर काम करके पैसा बना लिया था, लेकिन बाद में भी देखिए मार्केट ऊपर गया, सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल हुए नहीं, मार्केट ने अच्छी सी रेजिस्टेंस हमारी जगह से लिया और फिर से मार्केट गिर गया। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे यहाँ पे ऑपरेटर के अपोजिट पे हमें काम करने को मौका मिलता है, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे तो बैठ गया है लेकिन उसके पास पोजिशन ही नहीं है ना, उसके पास सेलर के एसएल ही नहीं है, तो वो जाएगा कैसे ऊपर। तो उसे सेलर के एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे, एसएल क्रिएट करेगा तो मार्केट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गिरावट करना पड़ेगा। अब देखिए जब हमारे पास एसएल थे ना, जब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठ गए थे, जब 6 जून को मार्केट साइडवेज रहकर दोनों बैठ गए थे, तब अपना अगला प्लान देखिए, चार्ट ये भी सही था, ये भी सही था, अगले दिन हमने क्या प्लान बना लिया, बाइंग करेंगे।
लेकिन यहां पे हमने क्या प्लान बनाया कि सेलिंग मार्केट के अंदर करेंगे, फ्लैट मिले, गैप डाउन मिले। गैप में मैंने आपको इतना बोला था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए, उसके बाद रिजेक्शन का प्लान बना लेंगे कि बाय चांस कोई ऐसे लोग हिट करना भी मार्केट कोशिश करे उसमें भी हम बच जाए, उसके बाद काम कर लेंगे। तो देख लीजिए यहां पर काम किया तब भी अच्छा है, यहां पर भी किसी ने काम करके देखा है या फिर ऐसे ही देख देख कर काम किया तब भी मार्केट के अंदर क्या है वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला। क्योंकि हमें पता था कि यहां पर अगर ऑपरेटर बैठा भी है तो यहां पर एसएल तो चाहिए, तो जब एसएल मिल गए तो हमने काम करना शुरू कर दिया, जब एसएल नहीं थे तो हमने एक रिजेक्शन का भी मार्केट के अंदर प्लान बना लिया। तो कभी कभी देखिए मेरा लॉस हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो लॉस इसीलिए होता है कभी कभी इस प्रकार की बातें मिस हो जाती है। कभी कभी तो मेरे पास टाइम होता है, सही से समझ में आ जाता है, चार्ट वगैरह ध्यान से टीम देख लेती है तो वहां पर अपना काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी हम कुछ पॉइंट मिस कर देते हैं तो वहां पर नुकसान हो जाता है, एंट्री गलत हो जाता है, कभी कभी मैं गलत जगह पर ट्रैप हो जाता हूँ, वहां पर नुकसान भी होता है। तो लॉस की बात अलग रहती है, हमें मार्केट समझ में आना जरूरी है, और जब मार्केट समझ में आएगा तो सब कुछ सही होगा। समझ में कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको यहां पे बता दिया कि कैसे मार्केट काम करे, मैंने आपको यहां पे बता दिया, और नीचे चला जाता हूं, और नीचे भी आप देख लीजिए यहां पे मैं बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला, 3 से 4 हज़ार पॉइंट का देखने को मिला। तो ऐसे नहीं कि मैं हर बार अपोजिट काम करता हूं, मार्केट नीचे गिरा तो यहां पर मैंने क्या प्लान बनाया कि हम सेलिंग भी कर सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं। कैसे प्लान बनाया था, एनालिसिस वाला सेशन देखो, बड़ा अच्छा बनाया था मैंने यहां पर आपके लिए कि मार्केट के अंदर यहां पे क्या है 48,000 का लेवल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला है। तो कितना ही बड़ा सेलिंग हो यहां पे सेलर तो मार्केट के अंदर आए हैं, अगर यहां पे सेलर आए हैं अपनी पोर्शन कब कट करेंगे जब मार्केट 48,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हमारा लेवल है। तो अगर मार्केट में यहां कहीं ओपनिंग होता है, यहां कहीं हमें ओपनिंग मिलता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। मैंने एनालिसिस में आपको बताया था अगर हमें गैप अप मिलता है 48,000 के ऊपर तब कहीं ना कहीं सेलर ट्रैप हो जाएंगे, वहां पे हम बाइंग करेंगे, ये अपना गैप अप में प्लान था। गैप अप छोटा होगा 48,000 के नीचे होगा सेल करेंगे, गैप अप बड़ा होगा 48,000 के ऊपर होगा हम बाइंग करेंगे। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि हो सकता है गैप डाउन मार्केट हो जाए, गैप डाउन में क्या होगा कि नीचे तो एसएल नहीं क्योंकि इतना बड़ा मार्केट गिर गया तो सभी निकल गए होंगे, तो गैप डाउन में हमें क्या करना है, बाय करना है। और गैप डाउन में अगर सेल करना है तो पहले ऊपर आने दो, उसके बाद आप सेल वगैरह कर सकते हो, डायरेक्टली गैप डाउन में सेल नहीं करना है। तो ये सब कुछ प्लान कैसे बनता है, मार्केट की सिचुएशन को देखकर, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में बैठा है सेलर, यहां पे बैठा है सेलर को टारगेट करना है तो 48,000 के मार्केट ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा मार्केट हो सकता है सेलर को ट्रैप करता ऊपर निकल जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, अगर हमें हल्का फुल्का गैप देखने को मिलता है हम सेलिंग का प्लान रखेंगे, गैप में बाइंग का प्लान रखेंगे। डायरेक्टली कोई गैप डाउन ओपन हो जाता है उसमें क्या होगा कि गैप डाउन को देखकर दूसरे लोग सेल करने की ट्राई करेंगे, और नीचे एसएल है नहीं तो वहां पे मैं क्या करना है, सेल नहीं करना, हमें पहले बाइंग के ऊपर फोकस करना है। सेल वगैरह करना है गैप डाउन में तो पहले ऊपर आने दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये हमारे लिए ऑप्शन कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इस प्रकार मैं क्या देखता हूं कि मार्केट के अंदर कौन कहां पे बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका है कि आपको किस प्रकार हमें एसएल हंटिंग को देखना है, किस प्रकार हमें स्मार्ट मनी को ढूंढना है। कभी भी ऐसा नहीं कि इतना गिर गया तो हमें मार्केट के साथ नहीं चलना। अब देखिए दोनों कंडीशन देख लीजिए, इतना मार्केट गिरा मैं यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग भी प्लान बना रहा हूँ, मार्केट के अपोजिट भी प्लान बना रहा हूँ। इतना मार्केट बढ़ गया हमारे लिए क्लियर हो चुका था कि मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन देना चाहिए, हमने वहाँ पे रिजेक्शन का भी प्लान बना लिया। तो मार्केट के साथ भी चलेंगे, मार्केट के अपोजिट भी चलेंगे, लेकिन समझ में आना जरूरी कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब हमारे लिए लॉजिक क्लियर होगा तब हम सही से काम कर पाएंगे, जब लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। अधूरा ज्ञान कोई भी काम का नहीं होता। तो आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं आपसे मिलता रहता हूं, मुझे आप बताइए, 1, 2, 3 सेशन में आपका जो भी क्वेश्चन होगा मेरे पास पहुंच जाएगा। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका क्वेश्चन वहां पे आपको ऐड होता हुआ मिल जाएगा, और आपका कम से कम जो भी बातें होंगी उसको मैं क्लेरिफाई डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। तो अपनी बातें ऐसी होती रहेगी। मार्केट में मैंने आपको ये समझाया कि किस प्रकार स्मार्ट मनी काम करता है, कैसे मार्केट के अंदर ओपनिंग का कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, वो सब बातें हमने सीखी आज के दिन। कुछ बातें अगर रह गई है तो वो रह गई है कि प्रॉफिट वाला बुकिंग कैसे करता है स्मार्ट मनी, वो कभी अगले सेशन में मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं इस सेशन में लेता तो सेशन हो सकता था बड़ा हो जाए, और बड़े सेशन में कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी और मैं भी आपको अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको अधूरा ज्ञान मिले, जितना भी मिले एक्यूरेट मिले, उसके बाद धीरे धीरे हम काम करते रहेंगे। तो मेहनत करते रहिए, कुछ भी समझ में नहीं आए पूछिए, थोड़ा सा दोबारा से इसको देखिए, फिर समझ में नहीं आए फिर मुझे डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।